सावन महीना में एक माह तक लगातार चलने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन आज सुल्तानगंज में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा और बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने किया। मौके पर कई मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सुल्तानगंज आने वाले कांवरियों के लिए गंगा घाट से कृष्णगढ़ मोड़ तक गंगा घाट के किनारे किनारे बिना शहर में प्रवेश किए नया रूट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार कांवरियों की सुख सुविधा को लेकर चिंतित है। बुटकों को कांवरियों के लिए नया रूट बनाने का निर्देश दिया गया है। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि भागलपुर में एयरपोर्ट की मांग लंबे समय से हो रही है। आपको आश्वस्त करता हूं कि इसके लिए पहल शुरू हो गया है। भागलपुर में सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा जिसमें सारी सुविधाएं बेहतर रूप से मिलेगी। उन्होंने कहा कि सुल्तानगंज नगर परिषद को भी व्यवस्थित और विकसित बनाने को लेकर प्लानिंग की जा रही है। वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सावन में शिव की विशेष कृपा होती है और उत्तर वाहिनी गंगा तट पर कृपा और कल्याण दोनों होता है। 21वीं सदी में भारत के सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जबकि सभा को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि पटना और बोधगया के विकास की तर्ज पर अजगैबी नगरी का भी विकास हो, ऐसी चिंता हम कर रहे हैं। इस अवसर पर सुल्तानगंज के विधायक ललित नारायण मंडल ने जानकारी दी कि 164 करोड़ रुपये की स्वीकृति गंगा रिवर फ्रंट के लिए मिली है। इसके पूर्व नमामि गंगे घाट पर दीप प्रज्वलित कर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का शुभारंभ बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल, विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन यादव, नगर परिषद के मुख्य पार्षद राजकुमार गुड्डू, उप मुख्य पार्षद नीलम देवी, आयुक्त दिनेश कुमार, डीआईजी विवेकानंद, डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी आनंद कुमार, डीडीसी कुमार अनुराग और सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने किया। एक तरह से दुनिया में मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा तो जन्म ही इस इलाके में हुआ है और दुनिया में इस तरह का व्यवस्था दुनिया में कभी आपको नहीं मिलेगा। करोड़ों लोग एक बोली बोल पाओ, एक कपड़ा, कलर भी सबका कपड़ा का एक मिलेगा और कोई हिंदुस्तान का रहने वाला है, कोई नेपाल का रहने वाला है, कोई बांग्लादेश का रहने वाला है, कोई भूटान का रहने वाला है, कोई श्रीलंका का रहने वाला है और सब बोली एक ही बोलते हैं, बोल बम का नारा है 12 एक सहारा। दूसरे कोई चीज नहीं, इतने बड़े मैं तो कहता हूं कि इससे बड़ा सेक्युलरिज्म दुनिया में नहीं होता। लगभग एक महीने में लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग और मकसद सबका एक ही है, माँ गंगा का जल उठाकर और भगवान शिव को जाकर बैजनाथ धाम में चढ़ाने का काम करना है। ये ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है और ये सनातन धर्म है जिसने इस पूरे समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया है। कई चीजों पर ललित जी ने विस्तार से बताया, लंबे समय से हम लोग इसका काम करते आ रहे हैं, पता नहीं आधा आधा काम हमारा फंस जा रहा है। नमामि गंगे से हम लोगों ने सीढ़ी बनाने के लिए उस समय 100 करोड़ रुपया दिया, वो भी पूरा नहीं हो पाया। पुल हम 2014 से लगे हुए हैं क्योंकि मैं गंगा के उस पार का प्रतिनिधित्व करता था और इसको भागलपुर से सीधे जोड़ने का प्रयास हमने शुरू किया, पता नहीं उसको भी ग्रहण लगा। लेकिन एकदम अस्वस्थ करता हूं साथियों, एक एक चीज को व्यवस्थित करना है। इस पुल को भी फिर से काम करना शुरुआत कराऊंगा और इस पर चलने का काम किया जाएगा। इसका जांच भी आदरणीय विजय सिन्हा जी यहां बैठे हैं, एक स्तर पर जांच की कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन अब सुपर स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हटाकर पूरी तरह सुपर स्ट्रक्चर जो आप देखते हैं गांधी सेतु पर पूरे लोहे के पूरी स्ट्रक्चर बढ़ाकर इसको करने का काम करें। दो सुझाव हमने जरूर दिया है,
एक सुझाव दिया है कि इस गंगा पर जो पुल बन रहा है इसका सीधा तो तिलकपुर निकलेगा, लेकिन एक स्ट्रेच इस पे उतार कर कांवरिया को गंगा स्नान करने का एक रास्ता भी बनाना है, और साथ ही साथ पूरे सुल्तानगंज, जब सावन का महीना होता है, भादो होता है, पूरा सावन और भादो में अस्त व्यस्त हो जाता है। हम लोग ये भी हम लोगों ने व्यवस्था किया है, गुप्तों को भी निर्देश दिया है कि आप सीधा यहाँ से जो सुल्तानगंज से तारापुर वाली सड़क है उस रास्ते को एक नया रास्ता बनाइए। कुछ अधिग्रहण भी करने पड़ेंगे, निजी जमीन भी लेने पड़ेंगे, लेकिन जिलाधिकारी से आग्रह करूंगा कि इस पर सहयोग करके, गुप्तों से बात करके, और सीधा बोलबम को शहर जाने की आवश्यकता नहीं, सीधा यहाँ से अजगैवी धाम में पूजा करके सीधा यहाँ से सुल्तानगंज देवघर के सड़क पर चले जाए, तो सीधा बैद्यनाथ बाबा के मंदिर में पूजा करने के लिए निकल सके। साथ अभी हम लोग भागलपुर में कई चीजों का काम हम लोगों ने शुरुआत किया है। अभी एक पुराना मांग था इस इलाके का कि हमारा एयरपोर्ट भागलपुर का शुरुआत नहीं हो पा रहा। हम लोगों ने अभी पिछले दिनों कैबिनेट के माध्यम से यह तय किया है कि इस इलाके का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भागलपुर पर बनने जा रहा है। साथियों, यह आश्वस्त करना चाहता हूं। साथ ही साथ नगर की भी व्यवस्था करनी है। वही पुराना हाउसिंग कॉलोनी हम लोगों ने देखा बचपन के दौर, कोई व्यवस्था खड़ा नहीं हो पाई, लेकिन हम जरूर आग्रह करेंगे। सुल्तानगंज के नगर के अध्यक्ष भी यहाँ पर है, माननीय विधायक भी है, यहाँ पे पूरी चिंता कीजिए। जो आउटर आपका रिंग रोड है, जो एक तरह से रिंग रोड ही बनेगा सुल्तानगंज के, एक तरफ तो गंगा है, दूसरे साइड जो आपकी पूरी व्यवस्था खड़ी हो उसका एक अच्छा प्लानिंग कराइए, और नगर निगम के माध्यम से उसमें हाउसिंग की भी प्लान करने की शुरुआत कर रहा है। और साथ ही साथ अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग सड़क है सुल्तानगंज से देवघर, इसको भी हम लोगों ने चिंता किया है कि सुल्तानगंज से देवघर जो अभी 2 लेन सड़क है, इसको 4 लेन और एक्सप्रेस वे बनाने का भी काम हम लोग करेंगे, और अलग से ट्रैक बनाएंगे। बोलबम के लिए प्रत्येक साल, अभी विजय जी बता रहे थे, 5 करोड़ रुपया इन्होंने बालू चीटने से लेकर मरम्मती तक के लिए दिया। ये लंबे समय से हम लोग कभी, ये जरूर हमारा है कि हम लोग अपने जीवन में कभी भी ये सड़क खराब नहीं देखे, ये भोले बाबा का ही कृपा है। और आप सोचिए 72 साल के बाद सावन में सोमवार से शुरुआत होने वाला है, ये एक ऐतिहासिक पल है आज कि सोमवार के दिन आज सावन की शुरुआत होने जा रही है। इसलिए हम तमाम लोगों को ये जरूर विश्वास दिलाते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी की तरफ से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, ये विकसित बिहार बनाना। और आपने देखा कि कल ही परसों हम लोगों ने कैबिनेट में केंद्र सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर जो हमारा गौरवशाली इतिहास था, अभी कुछ दिन पहले वो नालंदा आए थे और नालंदा में यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करके गए थे, उसी दिन उन्होंने इंस्ट्रक्शन हम लोगों को दिया था कि आप तुरंत जो हमारा पैकेज में हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है उसको भी स्थापित करने का काम करो, इसकी शुरुआत कर दिया। इसलिए आज अजगैवी नाथ धाम नगर में हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आपके बीच में लाखों लोग आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं जो श्रद्धालु बनकर आपके बीच में सेवा करना चाहते हैं, और जो कुछ समस्या ललित जी ने बताया है इनके साथ बैठकर इनकी भी पूरी समस्या का हम लोग समाधान करेंगे। भागलपुर जिला के नवगछिया नारायणपुर स्थित मथुरापुर जहाज घाट पर नहाने के दौरान 4 युवक की डूबने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार चारों युवक नवगछिया थाना क्षेत्र के नया टोला के रहने वाले थे। सोमवारी को लेकर सभी मथुरापुर जहाज घाट पर गंगा स्नान करने आए थे। वहीं गंगा स्नान करने के दौरान 10 लोग गंगा की तेज धार में बह गए, जिसमें 6 को बाहर निकाल लिया गया और 4 की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 10 लोग गंगा नदी में स्नान करने पहुंचे थे। वहीं घटना स्थल पर भवानीपुर थाना की पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। टोला निवासी
ये चारों लड़का नया टोला निवासी नौगछिया निवासी था। ये लोग भोला बाबा को जल चढ़ाने के लिए मरवा मंदिर में रात में ही कैपिटल एक्सप्रेस से जल चढ़ाने के लिए गया था और नारायणपुर घाट से जल भर के मरवा में चढ़ाना था। उसी दौरान गंगा में डूबने के कारण इस चारों बच्चे की मृत्यु हो गई। कौन कौन है चारों बच्चे? चारों नया टोला जिसमें तीन, एक व्यक्ति का तो चार पुत्र है लेकिन तीन व्यक्ति को अकेला ही संतान था। भगवान ईश्वर इस दुख की घड़ी में उसको शक्ति प्रदान करे। सकते हैं बच्चों का नाम मैं जीवन, शिवम बोलते जाइए, शिवम, आलोक, मोनू, सोनू, संजू और सोनू। ये किसका सब नहीं मिला है? संजू का सब अभी तक नहीं मिल पाया। बाकी तीन का बड़ा मतलब क्या मांग रहेगी प्रशासन से आपकी? इस तरह की दुर्घटना फिर ना हो प्रशासन से मैं अनुरोध करूंगा कि उस घाट पे समुचित व्यवस्था करे। लापरवाही बहुत ज्यादा लापरवाही है, ना लाइट की व्यवस्था की गई है, ना पे घाट पे ब्रैकेटिंग की व्यवस्था की गई है, जबकि पहले भी सभी के सभी पदाधिकारी के ये संज्ञान में था कि वह जहाज घाट पे जेसीबी से मिट्टी उड़ाई के कारण वहाँ पे बहुत सारा गड्ढा हो गया है, उस पर सावधानी रखने की जरूरत है। आम लोग और कंवरियों से आपकी क्या अपील है? जी इस तरह के खतरनाक घाटों पे सभी गार्जियन से अनुरोध होगा कि इस तरह के छोटे बच्चे जो जल चढ़ाने के लिए घर से जाते हैं, तो गार्जियन से अनुरोध है कि इस तरह के खतरनाक घाटों पे वे बच्चों की निगरानी करें और ये सुझाव दें, उनको बता के भेजें कि ज़्यादा दूर नहीं जाना है, किनारे से जल भर के ही जलाभिषेक करना है। इस तरह की व्यवस्था करनी होगी, गार्जियन को भी जागरूक होना होगा और सभी कंवरियों से भी अनुरोध है कि जहाँ पे खतरनाक घाट हो वहाँ पे सावधानी पूर्वक जल भरा। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की एक सीट को लेकर खूब चर्चा रही। यह सीट थी पूर्णिया लोकसभा सीट और यहां से पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में कूद पड़े एवं भारी बहुमत से चुनाव जीत गए। इधर पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद सांसद पप्पू यादव आज एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बांका के कटोरिया जा रहे थे। इसी दौरान उनके समर्थकों ने भागलपुर जीरो माइल पर जोरदार स्वागत किया। वहीं जन अधिकार पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव सैयद राघव हसन ने भी सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को जीत की मुबारकबाद देते हुए उनका स्वागत किया। मौके पर एक सवाल के जवाब में पप्पू यादव ने बिहार सरकार और सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। इस अवसर पर अभिषेक कुमार यादव, सत्यम कुमार, नेहा कुमारी सहित दर्जनों नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जी, इतना बिहार में पुल गिरा कैंसिल कर दिया। जी चौधरी ने कहा नहीं हो सकता। जी इसके लिए समर्थन सरकार से वापस ले नीतीश कुमार। जी इतना जो भी पुल गिर रहा सर बिहार में, इस पर क्या विशेष राज पर ही, क्योंकि आज का क्वेश्चन है इसलिए। जी जी 60-70% माफिया जी, जी तो पुल गिरेगा ना। जी बेफिक्री आदरणीय पूर्णिया के जो सांसद हैं पप्पू यादव जी, वो आ रहे हैं अभी यहाँ भागलपुर होते हुए, बांका होते हुए कटोरिया जाना है उनको, और बोलबम शिविर का उद्घाटन करना, निःशुल्क शिविर का 2-3 उद्घाटन करना है। ये कार्यक्रम के तहत वो भागलपुर अभी आ रहे हैं। सावन माह की पहली सोमवारी पर आज भागलपुर जिले के सभी शिवालयों और मंदिरों में शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही शिव भक्त शिवालय पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों ने कतारबद्ध होकर शिवलिंग पर जलाभिषेक के साथ भांग धतूरा और फूल के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव, जय शिव शंकर, बाबा भोलेनाथ की जय की नारों से गुंजयमान रहा। इधर सावन की पहली सोमवारी को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। सभी मंदिरों में पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति विधि व्यवस्था संधारण को लेकर की गई थी। जिला प्रशासन के निर्देश पर दंडाधिकारी के साथ
पुलिस की प्रतिनियुक्ति रही जो व्यवस्था बनाए रखने में तल्लीन दिखे। वही सुल्तानगंज अजगैबीनाथ समेत बूढ़ानाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर, बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर, बाबा भूतनाथ मंदिर समेत कई शिवालयों में महिला और युवतियों की भीड़ देखी गयी। इधर पहली सोमवारी पर सुल्तानगंज से जल लेकर करीब 2 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा धाम के लिए रवाना हुए। इस दौरान पूरा सुल्तानगंज गोल बम के जयघोष से गूंजता रहा। सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ मंदिर में कई राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जहां पर उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा करते हुए देवघर के लिए रवाना हुए। बता दें कि सुबह से ही श्रद्धालु गंगा स्नान करने के बाद जल भरकर विभिन्न मंदिर पहुंच रहे हैं। आज सावन का पहला सोमवारी है और बाबा शिव जी का जो भक्त हैं और श्रद्धालु लोग हैं, अच्छा श्रद्धालु का भीड़भाड़ है और अच्छा व्यवस्था है, ठीक है। प्रशासन का व्यवस्था हमारे यहाँ दुरुस्त है, ठीक है, और ठीक ठाक से सुबह 4-5 बजे से जो है यात्री चल रही है और कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार का। और सावन का तो 5 सोमवार श्रावणी मास का पड़ा है इस बार, और हर सोमवार को जो है बाबा जगन्नाथ में भीड़ भाड़ अच्छा दिखता है और अच्छा चलता है। बाकी सावन है, सावन में तो सभी श्रद्धालु लोग जो है बाबा का शिव जी का प्रिय दिन है, एक महीना उसमें जो जलाभिषेक पूर्ण रूप से होता है। मैं श्री पंत स्नान जुना अखाड़ा जगन्नाथ मठ सुल्तानगंज भागलपुर नाथ प्रेमानंद जी और गंगा मैया का कृपा हो रहा है, गंगा मैया का जलाभिषेक जो है। पूरे बिहार में एड्स के मामले में भागलपुर 19 उच्च जोखिम वाले जिलों में शामिल है। इस कारण राज्य सरकार की एड्स कंट्रोल सोसाइटी के द्वारा भागलपुर जिला को 22 जुलाई को रेड रन करने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसको लेकर यह प्रतियोगिता पुरुष और महिला श्रेणी के लिए अलग अलग आयोजित किया गया, जिसमें पुरुष वर्ग में प्रथम 5 स्थान भोला कुमार बीएन कॉलेज, दारोगा कुमार बीएलएस कॉलेज नवगछिया, ऋषि कुमार टीएनबी कॉलेज, रामू कुमार मारवाड़ी कॉलेज और मनु कुमार जेपी कॉलेज, जबकि महिला वर्ग में 5 प्रथम स्थान अंगूरी कुमारी मारवाड़ी कॉलेज, देवयानी कुमारी टीएनबी कॉलेज, नेहा कुमारी एसएम कॉलेज, ज्योति कुमारी एसएसबी कॉलेज, दिव्या भारती मदन अहिल्या कॉलेज का चयन किया गया। चयनित प्रतिभागियों को अब राज्य स्तर के लिए भेजा जाएगा। इसके पूर्व कार्यक्रम में डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर विजेंद्र कुमार, कुल सचिव प्रोफेसर विकास चंद्र, वित्त परामर्श अधिकारी दिलीप कुमार, एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक सह विश्वविद्यालय के आरआरसी नोडल डॉक्टर राहुल कुमार शामिल हुए। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। शिफ्ट करना हो या ऑफिस रिलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in।
रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर वन और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ एक साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkueledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की बैठक रविवार को मुस्लिम इंटर स्कूल स्थित सभागार में हुई। बैठक में 17 जुलाई को मुहर्रम के पहलाम पर विभिन्न मोहल्लों से निकाले गए अखाड़ा जुलूस की समीक्षा की गई। इस दौरान सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के संयोजक प्रोफेसर फारूक अली, सह संयोजक महबूब आलम, मीडिया प्रभारी तकी अहमद जावेद समेत कई सदस्यों ने कुछ अखाड़ा जुलूस को लेकर अपनी बात रखी। वहीं मिंटू कलाकार और जिनी हमीदी ने सभी खलीफा से कहा कि चेहल्लुम के अवसर पर अनुशासित तरह से अखाड़ा जुलूस निकालें और इसमें किसी प्रकार की कोताही ना करें। बैठक के दौरान सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के पदाधिकारियों ने घोघा के अखाड़ा जुलूस को लेकर भी चर्चा की। बताया जा रहा है कि सेंट्रल मुहर्रम कमेटी जल्द ही घोघा जाकर गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखने वालों को सम्मानित करेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि भीषण गर्मी में अंग न्यूज चैनल हमारे बीच आया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर फारूक अली सेंट्रल मुहर्रम कमेटी का संयोजक हूँ और पिछले लगातार 18 वर्षों से भागलपुर के नागरिकों के सहयोग से सेंट्रल मुहर्रम कमेटी मुहर्रम और चेहल्लुम को समाज से सरोकार रखते हुए उसको शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने की कोशिश करते हैं। कुछ कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं और उसको भी हम लोग कम से कम हो इसकी कोशिश हमारी जारी है। इस बार के मुहर्रम में हम लोगों ने कोशिश किया था कि इमामबाड़े तक जाया जाए ताकि अखाड़े बेहतर निकले। पूर्वी जोन में हमारे साथी कुछ घूमे, जिसके चलते पूरब की ओर से आने वाले अखाड़े सभी बहुत बेहतर आए, सभी अच्छे अखाड़े थे। जो शेष बचे पश्चिम के अखाड़े हैं, इसको हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे कि और भी बेहतर अखाड़े निकले। साथ ही साथ में खास तौर पर आपके माध्यम से पर्वती समाज का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। हम लोगों ने यहाँ बैठक बुलाई थी, उसमें भी कुछ साथी आए थे। फिर पर्वती में काली स्थान परिसर में हम लोग सेंट्रल मुहर्रम कमेटी और मोहल्ला समिति की बैठक हुई, जिसमें उन लोगों ने गारंटी दिया कि आप रहें न रहें, ये अखाड़े को पार कराना हमारी जिम्मेदारी है और बखूबी इसको उन्होंने निभाया। इसके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ कुछ वाकये हुए हैं, इसकी समीक्षा के लिए आज ये बैठक बुलाई गई है। पुलिस प्रशासन ने भी सहयोग अच्छा किया, लेकिन लगातार 4 दिनों तक काम करने से होता क्या है कि लोगों में थकान होती है, जड़ता आती है। पुलिस की ड्यूटी 20-20 घंटे 18-18 घंटे हो रही थी, इसके चलते आखिरी दिन में भी थोड़ा बहुत पहलाम के 5 बजे के दौरान कुछ घटनाएं हुई, उसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और कमेटी बना करके जाँच करेंगे और जाँच रिपोर्ट के आधार पर शासन और प्रशासन को लिखेंगे। हम लोग जो नागरिक तौर पर जो चिन्हित होंगे, चाहे लोग चिन्हित हों, चाहे अखाड़े चिन्हित हों, चाहे क्षेत्र चिन्हित हों, उस शासन को हम लोग लिखेंगे कि इन लोगों पर न्याय संगत धारा में कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि जो पर्व त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, आपसी साझेदारी समझ और आमदनी का आदान प्रदान भी होता है, आमदनी के स्रोत भी होते हैं, वो सामाजिक समरसता भी बढ़ती है। इसमें ठेला वाला अलग होता है, टोटो वाला अलग होता है, ऑटो वाला अलग होता है, मिठाई वाले अलग होते हैं, तमाम चीज वाले, दर्जी वाले अलग होते हैं। ये अलग अलग जाति समुदाय के लोग
मिलकर के पर्व त्योहार को खुशियों के भंडार में भंडारण बढ़ाते हैं। मैं उन सबों का और मीडिया के तमाम साथियों का भी और विशेष रूप से आपका भी, मैं आपके मीडिया के चैनल का मैं आभार व्यक्त करता हूं। ने भी जो मेहनत जो काम किया है, हम लोगों ने जो जो डिमांड किया था कुछ छोड़ के सभी चीजें पर उन्होंने विशेष करके खास करके मैं डीएम साहब भागलपुर के डीएम बहुत ही अच्छे हैं और बहुत मेहनत करते हैं। उन्होंने विशेष महर्रम पर जो उन्होंने इंतजाम किया है, मैं अपनी ओर से सेंट्रल महर्रम कमेटी की जानिब से उनको मुबारकबाद देता हूँ। भागलपुर के SSP कप्तान हमारे मंच पर रहे और उन्होंने बारीकी से एक एक अखाड़े को देखा है, बारीकी एक अखाड़े को अपने जस से और पुरस्कार भी किया है खलीफा लोगों को। मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ और विशेष करके पूरे प्रशासन जो चप्पे चप्पे पर लगे रहे, मजिस्ट्रेट रहे लगे रहे, एक एक पुलिस बल रही, सबको सब लोगों ने जो काम किया है सबको आज मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने सेंट्रल महर्रम कमेटी के आवाज पर उन्होंने काम किया है। बहुत ही मुबारक दिन है और सेंट्रल महर्रम कमेटी की तरफ से और जितने भी अखाड़े वाले जो खलीफा हैं, क्या चूक हुई है, क्या मिस्टेक हुआ है, समाज में इस तरह का मैसेज जाता है, उसको लेकर हम लोग मंथन करने के लिए बैठे हैं और आने वाले समय में और बेटर से बेटर कैसे प्रोग्राम हो, हम लोगों का सक्सेस कैसे हो, अच्छी अच्छी बातें कैसे निकले, इसी को लेकर हम लोग यहाँ बैठक किए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम खलीफा का और दुर्गा काली विशहरी शांति समिति और खासकर दो जो व्यक्ति है वार्ड पार्षद, एक अनिल पासवान और एक पर्वती के क्या नाम है उनका, वो रंजीत, दोनों का मैं और रेणु सिंह, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।